तो दोस्तों नमस्ते, राम राम, हेलो। इनक्रेडिबल सफर के साथ लेट्स गो विद फ्लो। मैं विजय स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा आपको पता है भैया, मौसम चल रहा है गर्मी का और अप्रैल में आते आते भैया गर्मी भी अच्छी वाली आ गई है। थोड़ी बीच बीच में ठंड हो गई थी लेकिन अभी जो है भैया फुल ऑन जो है गर्मी पड़ गई है। सूर्य देवता पूरे क्रोधित हैं और धूप है ना जो अच्छी वाली बरसा रहे हैं। अब कल जो है तारीख है भैया 9 अप्रैल, और 9 अप्रैल को अपन जो है भैया अपनी एक राइड स्टार्ट करने वाले हैं। राइड कहाँ की होगी, कैसी होगी, कब जाना है, कब आना है, ये तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि कल से अपनी जो है 9 अप्रैल से राइड स्टार्ट हो जाएगी। अपन कहाँ जा रहे हैं ये अभी थोड़ा सा सस्पेंस है, और इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ भैया नीचे आ रही होगी स्क्रीन पे, देख लो और फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे ही जो भैया सबसे पहले जो है अपडेट देखने को मिलते हैं। आज अपने पास भैया 2-3 छोटे छोटे काम हैं। एक तो बाइक में भैया पेट्रोल फुल करवाना है क्योंकि सुबह कल जल्दी निकलना है। दूसरी चीज़, बाइक का जो क्लच है ना, वो क्लच वायर अपन ने क्या है चेंज करवाया था, तो चेंज करवाने के बाद में क्या थोड़ी सी इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है, गियर लगाते हैं, न्यूट्रल करते हैं तो न्यूट्रल आसानी से होती नहीं है, थोड़ी दिक्कत करती है। वॉशिंग अपन ने कल करवाई ली थी। और जाने से पहले भैया घर के छोटे मोटे काम है, कुछ सामान खरीद करके घर पे डालना है, तो ये छोटे मोटे काम जो है वो अपन आज निपटा लेते हैं। और इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया मैं अपने साथ क्या क्या सामान लेकर के जा रहा हूँ। अरे चलो यार भाई साहब, सड़क पेश हो जाते हैं लोग, बाइक स्कूटी लेकर के सड़कों पे निकल तो जाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। रोड पे बीचों बीच सोचते रहते हैं इधर जाऊं उधर जाऊं क्या करूं, वहीं बीचों बीच ब्रेक लगा देते हैं। तो अभी मेरे घर का भी जो है छोटा मोटा काम चल रहा है, तो काम के लिए मैं ये लाया था एक स्टेंसिल, लेकिन ये काम नहीं आई तो इसकी जगह पेंट लेना है। सबसे पहले इसको अपन चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरे काम की ओर बढ़ेंगे। तो भैया मैं पहुंच गया हूं अभी गोपालपुरा मोड़। तो दोस्तों इस पिंक सिटी वाले से अपन ने लिया था भैया स्टेंसिल, इसको चेंज करवा लेते हैं। तो एक काम ख़त्म, उसके बाद में दूसरा काम के लिए बढ़ेंगे आगे। 1 लीटर ट्रैक्टर इमल्शन शाइन, वो वाइट ही बेस आता है जो, बस एक तो ये ले लो, ये काम नहीं आई, धन्यवाद। गर्मी आते के साथ ही रेड सिग्नल पर रुकना, मतलब ये देख लो आपकी जान जो है हथेली पे लेकर के चलना। चलते चलते तो फिर भी थोड़ा सा आराम लगता है कि चलो ठीक है, हवा लग रही है यार, लेकिन भैया रुकते के साथ में जो हालत ख़राब होती है ना, क्या बताऊँ। सामने दिख रहा है भैया अपने को पत्रिका गेट, और जितना सुंदर पत्रिका गेट बना है ना भैया, उतना ही सुंदर इसके पीछे तोरण द्वार बना है। आपने देखा होगा आजकल रील वगैरह वीडियो खूब चल रहे हैं। एक वाइट कलर की बिल्डिंग है, अभी दिखाते हैं आपको, वो भी बहुत सुंदर लगती है। लेकिन ये दोनों गेट है ना जो, ये जो है भैया शाम के समय ऑसम लगते हैं। इनमें जो लाइटिंग हो जाती है ना वॉम वाइट वाली, वो बढ़िया, बहुत बढ़िया लगती है। और अब तो ये जो सीढ़ियाँ है ना जिन पे लिखा हुआ है पत्रिका गेट, लोग बैठते हैं इन सीढ़ियों में भी जो है भैया लाइट जलने लग गई है। ये आ गया भैया अपना तोरण द्वार, ठीक है। अब ये सुंदर तो लग रहा है देखने में, लेकिन जैसे रात होगी ना और इसमें जो लाइटिंग जलेगी, तब भैया इसका मज़ा है ना जो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्या बात है। भाई साहब एक बार बाइक देख देना से है ना, जैसे न्यूट्रल करते हैं ना तो उसमें दिक्कत आ रही है। पहले गियर से न्यूट्रल करो तो दूसरे में आ जाती है, दूसरे से पहले में आ जाती है, और न्यूट्रल आ जाती है ना तो लाइट नहीं जलती है, मतलब दिक्कत कर रही है थोड़ी थोड़ी। न्यूट्रल हो जाती है तो एन नहीं जलता, फिर वापस से थोड़ा थोड़ा करते रहो तब एन जलता है, नहीं तो पहले गियर से न्यूट्रल लाओ तो दूसरे में आ जाती है। धन्यवाद। देखो अब तो लग ही नहीं रहा, देखो एक बार लग ही नहीं रहा, अब तो गेयर लगने के बाद में दूसरा ना लग रहा है ना न्यूट्रल हो रही है। अंदर तो खुलेगा ही क्या, गियर गुच्छा सही था, ये तो मैंने केबल चेंज कराई है उसके बाद ही तो गियर गुच्छा है ना। हाँ वो कैसे आ गया, अच्छा अंदर गियर गुस्सा है ना। हाँ तो
ऑयल वॉयल डलेगा, ऑयल कट गया फिर डलेगा वो। चलो देखते हैं फिर। अब यार बैठे बैठे ये आफत और, लेकिन क्या पता ये बात सही है कि नहीं। मैं घर जा कर के और एक बार कंपनी में दिखाऊंगा। अभी एक बार घर चलते हैं, सामान ये जो लिया है इसको रखते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो अभी भैया सर्विस सेंटर चलते हैं, क्योंकि बाहर के मैकेनिक को दिखाया वो तो कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। वो तो कह रहा है गियर बक्सा खुलेगा, बैंड आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो एक बार चल के सर्विस सेंटर में दिखा देते हैं, क्या पता क्लच की कोई सेटिंग हो जो इनसे बैठ नहीं रही हो और वो बिठा दें। बाइक दिखानी थी एक बार, वासु कौन है? वासु ऐसे न्यूट्रल करते हैं ना तो दूसरा लग जाता है, दूसरे से न्यूट्रल करेंगे तो पहला लग जाएगा। कई बार न्यूट्रल हो करके लाइट नहीं जलती है, फिर ऑयल ज़्यादा हो ऑयल तो 2.5 लीटर के डब्बे में से है ना 200 ml बचवा लिया था, 2 लीटर 300 ml। बाकी अभी चलेगी ना वो और वहाँ हो जाएगा थोड़ा, भी नहीं क्लच के बने ना। अच्छा चक्कर से भी हो सकता है, दिखानी पड़ेगी क्योंकि आज तक है ना इतनी बार यार ऑयल वगैरह चेंज हुआ है। कई बार तो उसने 2.5 लीटर पूरा डाल दिया है तब भी दिक्कत नहीं आई है। तो अब जो मेन सर्विस सेंटर है ना गोपालपुरा मोड़, वहाँ दिखा देते हैं एक बार, उसके बाद में जो है भैया निर्णय लेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। B2 बाईपास के जो अंडर पास है ना, इसको बने हुए इतना समय हो गया लेकिन अभी भी भैया मैं एक बार भी जो है इसके अंदर से नहीं गया हूँ। आदित्य मोटर्स का इसमें भी एक बहुत अच्छा मैकेनिक है, अगर वही देख लेना तो काम बढ़िया हो जाए। यार इसमें गियर में दिक्कत आ रही है न्यूट्रल होने में, यार गियर में दिक्कत आ रही है मतलब न्यूट्रल होने में। एक बार देख दो, ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, दिक्कत हुई तो फिर वेट कर लेंगे। तो मैं काम करूँ, अब नीचे चलो, मैं नीचे आ, चलो आ जाओ और लाल क्या आ जाओ। तो भैया बाइक जो है बिल्कुल ठीक हो गई है, मतलब दिक्कत क्या आ रही थी उस भाई ने बोला कि मशीन लगा करके थोड़ा सेटिंग सेट की है और कुछ खोला भी है लेकिन बताया नहीं उसने किया क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने बाइक में जो दिक्कत थी ना उसका सॉल्यूशन अपने को मिल गया है, और क्या चाहिए। अब फटाफट चल रहे हैं अपन घर, घर चल के भैया अपने पास और भी काम है क्योंकि पैकिंग करनी है, पैकिंग भी नहीं की अपन ने। तो पैकिंग करने के बाद में भैया आप लोगों को दिखाना भी है कि मैं क्या क्या सामान लेकर के जा रहा हूँ। जब भी भैया मैं मालवीय नगर की जगह से गुजरता हूँ ना तो अपनी ज़िंदगी के 10 साल पीछे चला जाता हूँ, और वो इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि ये दिख रहा है आपको जीटी सेंटर, 2013-14 में मेरा शोरूम हुआ करता था इसके अंदर मेंस वियर का, ठीक है। बहुत बढ़िया लाइफ थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक लाइफ में कुछ ऐसा उथल पुथल आया कि सब कुछ जो है मतलब थोड़ा उथल पुथल हो गया। लेकिन कोई नहीं, समय है, जीवन है, सब रंग दिखाता है, और अपने को भैया इंसान है, और भैया अपन इंसान है, अपने को हर रंग देखने पड़ते हैं लाइफ के। पहले बाइक है ना थोड़ी स्मूथ भी नहीं चल रही थी, लेकिन अभी ये भाई ने जो किया है ना उसके बाद बाइक थोड़ी स्मूथ भी चलने लग गई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पिकअप वगैरह अच्छा आ गया। क्योंकि कल है ना इसमें इंजन माल फंक्शन का जो है ये लाइट आ रही थी चेक इंजन की, तो वो तो थोड़ी देर बाद चली गई थी, लेकिन ये क्या है बंद हो रही थी कल बार बार, क्योंकि वॉशिंग कराई थी ना, शायद पानी वानी कुछ ऐसा चला गया था पता। उसके बाद में क्या है थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई थी बाइक, क्या बार बार बंद हो रही थी। तो आज जब इस भाई ने सही किया ना तो उसके बाद में क्या बाइक थोड़ी सी अच्छी चल रही है, पिकअप वगैरह अच्छा लग रहा है। सो दोस्तों दिन के तो काम सारे हो गए थे, अब अपने पास क्या क्या है ले जाने के लिए वो सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये गार्जियन गियर्स का बैग है, इसी में सामान लेकर के जाऊँगा, एक ही बैग लेकर के जाऊँगा। उसके बाद ये अपनी राइडिंग जैकेट है भाई रेनॉक्स की, ये पहन के जाएंगे। ये डेकैथलॉन की विंटर जैकेट है, इसको वहीं काम में लेंगे। उसके बाद ये कपड़े हैं, जीन्स एक ही लेकर के जा रहा हूँ, टी शर्टें 4-5 है। उसके अलावा ये ग्लव्स हैं, ये जो पहनूंगा मैं यहाँ से पहनूंगा क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है, और वहाँ जहाँ सर्दी जहाँ अपन जा रहे हैं वहाँ ठंड में भैया ये वाले ग्लव्स काम आएंगे। इसके अलावा एक टैंक बैग है टैंक के लिए, इसके अंदर भाई ये मतलब माउंटिंग वगैरह पड़ी हुई हैं, चार्जर हैं और कैमरे की ग्रिप है, कैमरे का स्टैंड है, ये सब सामान इसके अंदर हैं। और इसमें है अपना सोनी का कैमरा, ठीक है।
ठीक है। तो बस दोस्तों यही इतना ही सामान लेकर के जो है भैया मैं जा रहा हूँ। सो दोस्तों ये सामान लेकर के जा रहे हैं और आज का दिन था ना जो पूरा इतना मतलब बिजी में निकल गया कि पता ही नहीं चला कि कैसे है क्या है भैया समय का। अभी विपिन भाई के पास जाना था लेकिन समय के कारण मैं गया नहीं। अभी भी टाइम है ना शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो सोना भी है और सुबह जल्दी उठना भी है। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग है जो मेरे को बताना था कि भैया शुरू में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है और क्या क्या अपन ने तैयारी की। तैयारी करने के बाद में बाइक भी अपनी ओके हो गई, बस अब फ्यूल भरा के लाना है, जो फ्यूल फुल करवा लेंगे क्योंकि सुबह क्या है पेट्रोल पंप खुले मिलते नहीं है। ठीक है, हो सकता है दोस्तों एक दो हफ्ते के लिए व्लॉग नहीं आए क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, कम से कम भैया 9-10 दिन की राइड है, तो हो सकता है व्लॉग नहीं आए। उसके बाद में जो व्लॉग आएंगे ना बहुत अच्छे आएंगे, मतलब बहुत अच्छे वाले आएंगे, एक्सट्रीम आएंगे, अल्टीमेट आएंगे, है ना। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई सीरीज में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए। बाय बाय।